2032 ओलंपिक्स खेलेंगे या नहीं, अरशद नदीम ने बता दिया। पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ने 2032 के मुतल्लक अपनी राय का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते दौरान फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का कहना था कि अगर हदफ जूलन थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है तो अगला ओलंपिक 4 साल बाद है, इससे कबल और इवेंट में हिस्सा लेना है। गोल्ड मेडलिस्ट ने बताया कि मैं ओलंपिक से कबल इंजरी में मुबतला था, 2012 से सिर्फ मेहनत की जिसका फल मुझे आज मिला। जूलन के इवेंट के लिए आपको मुकम्मल फिट होने की ज़रूरत होती है। गोल्ड मेडलिस्ट ने बताया कि मेरे कोच सलमान इकबाल भट्ट ने मुझसे बहुत मेहनत करवाई, इस गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड थ्रो के पीछे हमारी मुश्तरका मेहनत है। उन्होंने कहा कि 1.5-2 माह आराम के बाद फिर वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप की तैयारी शुरू करूंगा। अगर फिट रहा तो 2032 ओलंपिक खेलूंगा और इसमें भी मेडल हदफ होगा।